दोस्तों 28 मार्च की रात 8 बजे जो बांदा जिले की जिला अधिकारी होती हैं दुर्गा शक्ति नागपाल एक दबंग आईएएस ऑफिसर के रूप में उनकी पहचान होती रही है, उनको एक बुरी खबर मिलती है। खबर यह होती है कि बांदा जिले में बंद जो मुख्तार अंसारी थे उनकी हालत बिगड़ गई है, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े हैं, हालत नाजुक है, कुछ भी हो सकती है। यही खबर जो वहां के एसपी होते हैं अंकुर अग्रवाल उनको भी मिलती है। दोस्तों ये दोनों अधिकारी भारी फोर्स के साथ कई थानों की पुलिस के साथ तुरंत बांदा जिले की तरफ रवाना होते हैं। जब वहां पर जाते हैं जेल के अंदर पहुंचते हैं 40 मिनट तक वहीं रुकते हैं तो देखते हैं मुख्तार अंसारी की हालत वाकई में काफी नाजुक हो चुकी थी। दोस्तों उनको एम्बुलेंस पर लादा जाता है और रास्ते में भी भारी बल फोर्स तैनात किया जाता है ताकि अस्पताल तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों लोग रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और जहां पर 9 डॉक्टरों की टीम फौरन मुख्तार अंसारी के इलाज में लग जाती है। दोस्तों पूरी ताकत झोंक देती है, पूरा अनुभव लगा देती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1 घंटे की मशक्कत करने के बाद मुख्तार अंसारी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों 8:30 बजे उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है और 9:30 बजे उनकी मृत्यु हो जाती है। 1 घंटे तक इस खबर को दबाया जाता है लेकिन 10:30 बजे आखिरकार अनाउंसमेंट किया जाता है कि मुख्तार अंसारी अभी दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। और उसके बाद पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और यह बताया जाता है कि उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन दोस्तों जो उनके समर्थक होते हैं उनको ये हार्ट अटैक वाली बात हजम नहीं हो रही है, वो तो यही कह रहे हैं कि उनको जहर देकर मारा गया है। क्योंकि 3 दिन पहले ही जब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए जेल में गए थे, तब मुख्तार अंसारी ने उनसे कहा था कि उन्हें 2 बार खाने में जहर दिया गया है, स्लो पॉइजन दिया गया है। और ये बात मीडिया में वायरल ही हो रही थी कि दोस्तों 3 दिन के अंदर ही मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। हालांकि ये जहर दिए जाने वाली बात जो है वो बांदा के जेल जो अधिकारी हैं, जेल प्रशासन है, वो इसका खंडन रहा है, इसे पूरी तरीके से झूठ बता रहा है। दोस्तों फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उनकी मौत कैसे हुई, आइए जानते हैं मुख्तार अंसारी के जीवन की कुछ रोचक बातें इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मुख्तार अंसारी के दादाजी मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 1926-27 में महात्मा गांधी के साथ आंदोलनों में शामिल हुए थे। इसके अलावा जो मुख्तार अंसारी के पिताजी थे सुभान अल्लाह अंसारी, दोस्तों वो एक प्रभावशाली नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इसके अलावा जो मुख्तार अंसारी के नाना थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी, दोस्तों ये महावीर चक्र से सम्मानित थे। दोस्तों इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति माननीय हामिद अंसारी जी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। इतना गौरवशाली इस परिवार का इतिहास था, इतना प्रभावशाली इस परिवार का इतिहास था। लेकिन दोस्तों इसी परिवार का एक बेहद पढ़ा लिखा मुख्तार अंसारी, ऐसे लगता है कि पूरा परिवार जुल्म और अपराध की दुनिया से चोली दामन का साथ रहता था। दोस्तों मुख्तार अंसारी 2005 से ही भारत के अलग अलग जेलों में बंद था, लेकिन जिस भी वो जेल में रहता था दोस्तों एकदम गब्बर की तरह रहता था। उसका एक ही शर्त था कि मिलके रहो आयस करो, अगर मिलके नहीं रहोगे तो बर्बाद कर दिए जाओगे। दोस्तों जो लोग मिलके रहते थे, जो उसके वफादार थे, या यूं कहें कि जिनको मुख्तार अंसारी का डर रहता था, दोस्तों उसके लिए हर एक सुविधा वो प्रदान करते थे। उसके लिए उसके बैरक में बुलेट प्रूफ जैकेट, मोबाइल, इंटरटेन की सारी चीजें, यहाँ तक कि बैडमिंटन कोर्ट तक उसके लिए जेल में बनाया गया था। उसके साथ अधिकारी तक बैडमिंटन खेला करते थे। दोस्तों इस तरीके से मुख्तार अंसारी का दबदबा था। दोस्तों पार्टियों और दावतों का दौर चलता रहता था, यहाँ तक कि दोस्तों जब मुख्तार अंसारी पंजाब के जेल में बंद था तो उसकी जो पत्नी थी अफसा अंसारी वो रोज गैर कानूनी तरीके से मुख्तार अंसारी से मिलने आती थी। एक बार जब ऐसे ही अचानक से उस जेल का निरीक्षण किया गया किसी महिला अधिकारी के द्वारा, तो उसने देखा कि जो बैरक का दरवाजा था पीछे से बंद था, तो उसने पूछ लिया कि ये दरवाजा पीछे से क्यों बंद है, तो उस महिला अधिकारी को बताया गया कि इसमें निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें काम चल रहा है, इसलिए दरवाजा खुल नहीं सकता। दोस्तों लेकिन उसके बाद जब सीसीटीवी से पता किया गया, खंगाला गया, तो पता चला कि एक बुर्का में रोज एक महिला आती है, घंटों टाइम बिताने के बाद
फिर वो वापस जाती है। दोस्तों पता लगाते लगाते पता चला कि ये तो अफसा अंसारी है, मुख्तार अंसारी की बेगम। तो दोस्तों इस तरीके से उसकी खातिरदारी की जाती थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती थी, जेल में रहते हुए सारी सुविधाएं प्रदान थी, यहाँ तक कि उसके जो गुर्गे थे वो फर्जी FIR अपने ऊपर करवाते थे और जिस भी जेल में मुख्तार अंसारी रहता था वहाँ पर वो उसके आसपास पहुँच जाते थे, जेल में अपराधी बनकर वहीं से सारा षड्यंत्र रचते थे और फिर बाहर के कामों को अंजाम देते थे। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी अधिकारी होते थे जो उसके सामने ही नहीं पड़ना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि इसका आतंक क्या है, यह आदमी कैसा है। दोस्तों जब उनकी ज्वाइनिंग वहां पर होती थी, ऐसे ही एक डिप्टी जेलर थे, उनकी ज्वाइनिंग की गई, उन्हें पता चला कि मुझे उस जेल का डिप्टी जेलर बनाया गया है जिस जेल में हाल फिलहाल मुख्तार अंसारी बंद है। दोस्तों वहाँ उन्होंने जाने से मना कर दिया और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन दोस्तों वो अधिकारी उस जेल में गया नहीं, सस्पेंड होना उसको मंजूर था लेकिन मुख्तार अंसारी के सामने नहीं गया। इस तरीके से उसका दबदबा था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो दोस्तों जाबाज थे, जो किसी भी तरीके से जितने भी दुर्दांत और खूंखार अपराधी थे उनको ठीक करने के लिए उन अधिकारियों को जाना जाता था। ऐसे में एक थे तिवारी साहब, एक थे शैलेंद्र कुमार सिंह और एक हैं SK अवस्थी साहब। दोस्तों शैलेंद्र कुमार सिंह उत्तर प्रदेश PPS के अधिकारी थे, डिप्टी SP थे और उन्हें पता चला कि एक सेना का जवान है जो LMG लेकर भागा है। LMG का मतलब होता है दोस्तों लाइट मशीन गन। तो लाइट मशीन गन लेकर भागा था और उसने जो है मुख्तार अंसारी को वो गन बेच दिया था। जब शैलेंद्र कुमार सिंह को पता चला, अपनी टीम के साथ गए छापा मारते हैं तो मुख्तार अंसारी के पास से वो गन वो बरामद करते हैं, वो मशीन गन। उसके बाद उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए पोटा के तहत मुकदमा दर्ज करवाते हैं, FIR करवाते हैं। दोस्तों जिसके तहत आतंकवादियों के ऊपर केस दर्ज किया जाता है वही केस उन्होंने मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज किया, वही धाराएं लगाई। दोस्तों उनके ऊपर इतना दबाव बनने लगा, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और वो सपा से विधायक हुआ करता था। दोस्तों इतना दबाव बनाया गया कि जो शैलेंद्र कुमार सिंह थे उनका जो भी सपोर्ट कर रहे थे, जो उनके SP थे, IG थे, DIG थे, अगर कोई उनमें से सपोर्ट कर रहा था दोस्तों उसका ट्रांसफ़र करवा दिया गया मुलायम सिंह सरकार के द्वारा। और उसके बाद जब उन्होंने उसके ऊपर FIR पोटा का किया, उसके मात्र 15 ही दिन बाद उनको इतना प्रताड़ित किया गया, शैलेंद्र कुमार सिंह पर इतना दबाव बनाया गया कि दोस्तों उन्हें अपने नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने रिजाइन दे दिया। दोस्तों इस तरीके से मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। उसके बाद भी शैलेंद्र कुमार सिंह का पीछा नहीं छोड़ा गया, उन्हें हैरेसमेंट किया गया, तमाम तरह के उन पर केस लगाए गए, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके साथियों ने उनको बड़ी बेइज्जती के साथ घसीट कर जेल में डाल दिया। दोस्तों इस तरीके से उस अधिकारी का करियर बर्बाद हो गया। दोस्तों 20 साल हो गए इस बात को, आजकल वो अधिकारी जो है किसी तरीके से अपनी जान बचाकर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, अदालतों के चक्कर काट काट कर वो थक गए थे, लेकिन 2013 में उनके ऊपर लगाए गए सारे मुकदमे हटवा लिए गए, आजकल वो सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों मुख्तार अंसारी इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया करता था। दोस्तों ऐसे एक अधिकारी थे SK अवस्थी साहब, 2003 में जब उनकी जेल में मुख्तार अंसारी बंद होता है लखनऊ में, तो उन्हें 9:30 बजे सुबह पता चलता है कि उससे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। दोस्तों मुख्तार अंसारी उनके ऑफिस में घुस गया और उनसे बोलने लगा कि जो लोग मुझसे मिलने आए हैं उनका बिना तलाशी लिए उनसे मेरी मुलाकात करवाई जाए। इस पर जो अवस्थी साहब थे वो जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए हैं, वो अपने सुरक्षा कर्मियों से कहते हैं कि इन लोगों की गहन तलाशी के बाद ही अंसारी से मुलाकात करवाओ। दोस्तों इस बात पर मुख्तार अंसारी भड़क जाता है, अपने एक साथी के जेब से रिवाल्वर निकाल कर उनके खोपड़ी पर तान देता है, उसके बाद गाली देते हुए कहता है कि तुम बाहर मिलो फिर मैं देखो तुम्हारा क्या करता हूँ। दोस्तों इस बात को लेकर उन्होंने अपने अधिकारियों से बात की और उस पर FIR दर्ज करवाने के लिए अड़ गए कि मैं तो FIR करवाऊंगा, लेकिन दोस्तों जो सारे उच्च अधिकारी थे उनके वो उनको मना करने लगे, उन्होंने कहा कि नहीं तुम केस मत दर्ज करवाओ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो SK अवस्थी साहब थे उन्होंने उसके ऊपर लखनऊ के आलमबाग थाने में FIR दर्ज करवाई और मुकदमा चलता रहा। दोस्तों 2003 में मुकदमा दर्ज हुआ, 2013 आ गया, गाजीपुर के जेल में मुख्तार अंसारी बंद था और उसे पता चलता है कि इस जेल में जो है वो SK अवस्थी का ट्रांसफर हुआ है, वो गाजीपुर आ रहे हैं। दोस्तों उनके आने से ही पहले मुख्तार अंसारी वहां से अपनी शिफ्टिंग
आगरा करवा लेता है। तो इस तरीके से जो जाबाज लोग थे जो उसको छोड़ते नहीं थे, वो उनसे बचने का भी तरीका ढूंढता था और साथ में उनके पीछे भी लगा रहता था। क्योंकि जब रिवाल्वर तान देने वाले की फाइनल सुनवाई होनी थी और दोनों लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया गया, यानी आमने सामने बैठा कर जब पूछताछ करवाई गई, तो दोस्तों उन्हें अपना बयान बदलना पड़ा। एसके अवस्थी साहब के ऊपर इतना उसने दबाव बना दिया पीछे से, इतना उनको डरा धमका दिया या जो भी कुछ हुआ हो, आखिरकार एसके अवस्थी साहब ने बोला कि नहीं, उस दिन कुछ नहीं हुआ था। उन्हें ये बात कहना पड़ा कि उस दिन कुछ नहीं हुआ था। दोस्तों इस तरीके से मुख्तार अंसारी था, वो जेल में रहते हुए उसके ऊपर 8 हत्या के मुकदमे दर्ज हुए 2002 में। जो अब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, वो कृष्णानंद राय से विधायकी का चुनाव हार गए थे। 2005 में क्रिकेट प्रतियोगिता के कार्यक्रम से वो अपने टीम के साथ, अपने काफिले के साथ लौट रहे थे। दोस्तों घात लगाकर बैठे लोगों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई। और कहा जाता है कि जब गोली चलाई जा रही थी तो मुख्तार अंसारी ये सब चीजें जेल के अंदर रहते हुए लाइव सुन रहा था। दोस्तों इस तरीके से उसके कारनामे दुर्दान थे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गरीबों का मसीहा था, मुजलिमों का सहारा था, ये सब भी लोग कुछ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं रॉबिन हुड था, उसके समर्थक ये भी कहते हैं। दोस्तों 1963 में पैदा हुआ, गाजीपुर में पला बढ़ा, वहाँ से स्नातक किया और उसके बाद सरकारी ठेकों में अपना दबदबा कायम किया, वहीं से अपने गैंगस्टरपन की शुरुआत की और वहीं से इसका आतंक बढ़ता गया। भारत के अलग अलग राज्यों में 65 से ज़्यादा मुकदमे, जिसमें से 2 में तो उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। इसके अलावा हर महीने किसी न किसी केस पे फैसला होना था। अब दोस्तों इसके अलावा जो मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, उमर अंसारी और अब्बास अंसारी, अब्बास अंसारी विधायक है लेकिन वो भी जेल में बंद है। दोस्तों एक जमाने में पूरे पूर्वांचल का माफिया कहा जाने वाला, बड़ा से बड़ा अपराध करने वाला, उस पर कोई आरोप ही नहीं साबित होता था, कोई गवाह ही नहीं मिलता था, या तो मार दिया जाता था या डरा धमका दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब जब नकेल कसनी शुरू हुई तो छोटे से छोटे अपराध में भी उसके परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। जो मुख्तार अंसारी की बहू है निकहत बानो, वो गैरकानूनी तरीके से अपने पति से मिलने के लिए जेल में गई थी और इसके एवज में उसे 6 महीने की सजा काटनी पड़ी। पत्नी जो अफसा अंसारी है, 70,000 का इनाम है सरकार ने घोषित कर रखा है, उसको भगोड़ा करार दे दिया है, वो भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, वो भी छुपते छुपते फिर रही है। दोस्तों बुलंदियों के शिखर पर जाने के बाद इंसान अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं सूझता। जिस घर में एक भाई सांसद हो, अभी भी सांसद है अफजाल अंसारी, जिसमें खुद विधायक हो और जिसमें एक और बेटा विधायक हो, जिस परिवार का गौरवशाली इतिहास रहा हो, तो उस परिवार में जब एक ही व्यक्ति माफिया बनकर उभरता है तो पूरा परिवार और पूरा उसका इतिहास सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। दोस्तों यही हाल अतीक अहमद का भी हुआ, यही हाल मुख्तार अंसारी का हुआ। दोस्तों ऐसे और ना जाने कितने लोग हैं। दोस्तों कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब जब रमजान आता है एक माफिया जाता है, पहले साहबुद्दीन, फिर अतीक और अशरफ, और अब मुख्तार अंसारी, और अब की किसकी बारी। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो भी इसमें जानकारी दी गई है वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर दी गई है, इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, किसी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, भाईचारा बना के रखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।